फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हमारा चिल्ड्रन स्पेशल चल रहा है, तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। अरबी बेसिकली बच्चों को पसंद नहीं होती और उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, बट मैं एक डिफरेंट इसको स्टाइल में, जैसे अरबी लॉलीपॉप्स हैं, इस तरीके से बना के ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करें और बच्चे उनको खाना पसंद करें। आइए मैं बताती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। ये अरबी हमने बॉईल करके उसको मैश करा हुआ है और ये अनियंस हमने चॉप करके रखे हुए हैं। ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं जिनको हमने ब्रेड को ड्राई करके ग्राइंड किया हुआ है। ये चाट मसाला है। चाट मसाला हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे थोड़ा सा, जो गले में कई बार अरबी लगती है तो टैंगी टेस्ट से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये लहसुन अदरक हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, ये अच्छा फ्लेवर देगा हमारे कबाब्स को। और ये सॉल्ट है, ये रेड पेपर, ये धनिया एंड गरम मसाला ये मिक्स करके रखा हुआ है। और ये कॉर्नफ्लावर है जो बाइंडिंग के हमारे काम आएगा। और ये टूथपिक्स है, इसके ऊपर हम अपने मटेरियल को लगा के डीप फ्राई करेंगे। ये जो हमने अरबी को मैश करके रखा हुआ है, इसमें हम अपने ये अनियंस को डाल देंगे इसके बीच में। अनियंस के साथ साथ इसमें हम ये अपना जिंजर गार्लिक जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। उसके साथ ये थोड़ा सा हम जो हमने चाट मसाला लिया हुआ है इसे डाल देंगे। साथ ही हम अपने डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अगर आपको जैसे लगे बाद में थोड़ा सा चिपक रही है या नहीं प्रॉपर आ रहा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। ये एक चम्मच रेड पेपर, सॉल्ट एंड रेड पेपर अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे आप। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और अभी हम डालेंगे अपना कॉर्नफ्लावर जिससे ये बाइंड होएगा हमारा। 2 से 3 चम्मच डालेंगे और ये धनिया एंड गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चिपकती है अरबी हाथों में तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेंगे अपने हैंड्स पे जिससे ये चिपकेगी नहीं। इसमें सारा कुछ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए हमारा मसाला, फिर इसके बाद हम इसको स्टिक्स पे लगा के डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा एक डो फॉर्म तैयार हो गया। अब हम इसको टूथपिक्स पे लगा के थोड़ा सा हल्के से हाथों में ऑयल लगा लेंगे बिकॉज थोड़ा सा ही चिपक रहा है। जैसे हमने चॉपस्टिक्स के लिए किया था उसी तरीके से इसको हल्का सा ऐसे हाथ पे इसको फैलाएंगे इस तरीके से, और इसमें टूथपिक को सेंटर में रख के इसको हम ऐसे रोल आउट कर देंगे। अब धीरे धीरे हम इनको अपने गर्म होते तेल में डालेंगे इनको डीप फ्राई करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर आया है। बस इस तरीके से हमने इसको डीप फ्राई करते जाना है। ये लुक एट दिस, कितना अच्छे बन गए हमारे ये अरबी लॉलीपॉप्स। देखिए इसको देख के बच्चे अपने आप ही कहेंगे मम्मा हमको दे दो, हमें टिफ़िन में दो, और बच्चे इसको खाना भी पसंद करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। हाँ, अब ये टेस्ट करेगी। लो टेस्ट करो, कैसा बना है? टिफिन में लेके जाओगे, फ्रेंड्स को भी दोगे? क्या कहोगे मम्मा को, हमें क्या बना के दो टिफिन में? लॉलीपॉप्स।